ये थोड़ा छपरी लुक में है तो ये नहीं लेंगे, ये कैंसिल। ये रहा अपना हेलमेट, ये कलर चाहिए अपने। ये टोटो वाले का तो कोई रूल ही नहीं है ना, इंडिकेटर है गाड़ी में, गाड़ी में इंडिकेटर है लेकिन मना नहीं आता है लोग को, तो कहीं से भी किधर से भी घुसा जाता है। तो भाई लोग हम लोग आ गए अभी पूर्णिया। अब क्यों आए हैं हम? आए हैं एक हेलमेट खरीदने के लिए, क्योंकि बहुत दिन से मेरे पास हेलमेट नहीं था। इतना साउंड आ रहा है बाहर से, शीशा लगा देते हैं पहली बात, ठीक है। हेलमेट लेके एक SMK या कोई वैसा भी देखते हैं। पूर्णिया बहुत दिन बाद आए हैं। तो हुआ क्या था कि मेरा हेलमेट ना, एक हेलमेट चोरी हो गया था ऑक्टोपस से, ठीक है, एक कैमरा का माउंट समेत, और एक हेलमेट मेरा गिर गया था, गिर के टूट गया था। तो मैं अभी एक गले भर का हेलमेट से काम चला रहा था, बट चाहिए प्रोफेशनल हेलमेट अपना, तो वही लेने के लिए आया पूर्णिया। और साथ में आया हमारे रेहान भाई, और जो कैमरा कर रहे हैं वह बिलाल भाई। मैं उन लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए ये है बिलाल भाई जो कैमरा कर रहे थे, और पीछे आप रेहान भाई को देख चुके होंगे। और ये रहा अपना पूर्णिया का कौन सा रोड, ये है लाइन बाजार रोड, लाइन बाजार रोड 0 माइल से जो लाइन बार की तरफ जाता है वही रोड है। तो भाई लोग फिर चलते हैं हेलमेट के दुकान में और मिलते हैं आगुबीती, कौन सा हेलमेट लेते हैं कौन सा नहीं लेते हैं, हेलमेट भी लेना और हेलमेट का माउंट भी लेना, जिससे मैं अपना राइडिंग ग्लोव शूट कर सकूं। तो फिर मिलते हैं आगुबीती, सेफ ड्राइव सेफ लाइफ। तो अभी मैं आ चुका हूँ वो जगह जहाँ पे अमिताभ बच्चन जी यहाँ पे आके सही हुए थे, उसका पेट में तो लगातार है, हर जगह इलाज करवाया लेकिन सही यहाँ पे आके हुए थे। ये जगह है पूर्णिया का लाइन बाजार, यानी डॉक्टर का बाजार। तो ये स्टार्ट है, ये आने वाला है चौक टू आगे, दिखाते हैं भाई। यहाँ पे ना इधर भी सिर्फ डॉक्टर ही मिलेगा आपको, और हर तरह का डॉक्टर, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक का डॉक्टर मिलता है यहाँ पे, इसे कहते हैं पूर्णिया। भाई पूर्णिया वालों से, पूर्णिया ट्रैफिक, पूर्णिया पुलिस से ये बात कहना चाहूंगा मैं कि भाई इतना बड़ा पूर्णिया स्मार्ट सिटी है यार, ऐसा कब तक हाथ दिलाता रहेगा? ये कुछ बोलो, कुछ ट्रैफिक लाइट वगैरह लगवाओ यार। हाँ तो अभी आ गए हम लोग हेलमेट की दुकान में हेलमेट लेने के लिए। तो देख रहे हैं भाई को बोले SMK का आता है सीरीज, SMK का बोला और एक्सोर का बोल रहा है भाई, तो वो गया लाने के लिए। बाकी हेलमेट पड़ा है इसके दुकान में बहुत सारा पड़ा है। मुझे ये अच्छा लगा, मैं दिखा रहा हूँ अभी। ये ब्लैक में बहुत सस्ती लग रहा है, ये भी लग रहा है एकदम ब्लैक में खतरनाक वाला। इधर और भी है, इधर एक रेड में दिख रहा है भाई। तो अपने को ये सब चाहिए नहीं, अपने को अलग चाहिए, तो वो लाने गया है गोदाम से, गोदाम से लेके आ रहा है, फिर देखते हैं कौन सा हेलमेट लेते हैं। हेलमेट थोड़ा अच्छा वाला चाहिए, उसके साथ फिर ये जो आता है माउंट, ये माउंट भी चाहिए अपने को, क्योंकि फिर इसने अपना GoPro वगैरह मोबाइल वगैरह करके फिर मोटर वालों को ब्लॉगिंग करना है ना, वो भी चाहिए। और फिर देखते हैं कौन सा हेलमेट आता है, फिर डील करके बताते हैं, दिखाते हैं आगे होती है, फिर मिलते हैं फिर आगे होती। अब लेके आ गए दो हेलमेट हमारे लिए SMK, SMK। निकाले तो मालूम पड़ता। तब तो इसका साइकिल देख लीजिए, आ गया यार अपना। ये थोड़ा छपरी लुक में है तो ये नहीं लेंगे, ये कैंसिल। लेकिन ये छपरी लोग ज्यादा यूज करता है तो उसको नहीं लेना है हमको। ये रहा अपना हेलमेट, ये कलर चाहिए अपने। देखो भाई लोग कैसा लग रहा है हेलमेट, ये भी न्यू लॉन्च है, ये भी भाई बोल रहा है एकदम न्यू लॉन्च है, एकदम करंट लॉन्च है, लगता है भाई का भी चैनल है इधर। तो ये रहा अपना हेलमेट, ये आता है डुअल वाइजर के साथ में। देखो भाई अगर गाड़ी चलाना तो सेफ्टी जरूरी है, सेफ्टी जरूरी है तो हेलमेट जरूरी है, हेलमेट जरूरी है तो पैसा जरूरी है। हेलमेट का ट्रायल लेने वाले हैं तो पहले लगा अरमान, पहले वो लगा फिर हम लेंगे ट्रायल। चेहरा दिख रहा है, चेहरा इतना दिख रहा है भाई, कैसा है व्यू? अच्छा व्यू, अंदर से व्यू कैसा है? सेफ्टी है, यहाँ पर मैक रहेगा अपना, माइक यहाँ पर टाइट हो गया भाई। इसके अंदर यहाँ पे लगा GoPro, इधर माइक, इसके बाद फिर देखो ये एक वाइजर है, अंदर वाला वाइजर, ये एक वाइजर, ये इसका बटन यहाँ पे जो आ रहा है इधर, हाँ इधर ये मेरे कट गया। तो अभी ये देखने वाले हैं माउंट किधर रखा है और पता नहीं किधर रखा है।
इसका प्राइस जी 5150 account 50 ये वीडियो के लिए ऑफलाइन डील करते हैं हम लोग कितना आता है ठीक है वो आप लोग ऑफलाइन डील बाद में करते हैं हम लोग तो ये ऐसे ही झोला में आता है झोला से चाहे तो आप भीख भी मांग सकते हैं लेकिन आप लोग इतना महंगा हेलमेट लगे फिर कौन भीख मांगेगा भाई लेकिन मेरे हिसाब में तो मांगना पड़ेगा कोई पैसा नहीं है कड़ा है गोप्रो का माउंट यानी मोबाइल का माउंट अभी तो गरीब इंसान है तो मोबाइल में लगेगा साला आईफोन लगा के नहीं गोप्रो तो 5000 का है लेकिन आईफोन तो भाई 1.5 लाख का है ना मतलब पंगा चीज है अपना ये माउंट लग चुका है तो अभी बिलाल भाई का मोबाइल लगाकर देखते हैं कैसा लग रहा है ये ना हल्ला कर रहा है लोग भाई ब्लॉक कर रहे हैं भाई करने दो ये थोड़ा हैवी वाला है इसमें लॉक हो जाता है ठीक है स्प्रिंग वाला नहीं है ये तो भाई हमेशा ध्यान रखें आप अगर मोबाइल लगा रहे हो तो थोड़ा कवर यूज कर लेना इसका तो ये डैमेज हो सकता है नहीं रबर है लगा रबर है फिर भी कवर रहने से अच्छा रहेगा ये कोई दिक्कत नहीं और ये लग चुका है अपना सेटअप ध्यान तो रख कैमरा दिखाओ ठीक है अब इसके लिए माइक लेते हैं अभी फिर मिलते हैं अब हेलमेट लेने के बाद अभी आ चुके हैं ये टी गार्डन और कार खोलते हैं लॉक लॉक चलते हैं टी गार्डन जो पूर्णिया में है भाई जब भी आप पूर्णिया आए और 0 माइल के पास पहुंचे तो यहाँ चाय पीने के लिए जरूर आना कहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर चाय हो जाने के बाद हम लोग आ गए हैं बिरयानी खाने के लिए क्योंकि भूख लगी थी बहुत तो बिरयानी खाएंगे यहाँ पर तो फिर दिखाते हैं आप हाँ बिरयानी पे ये मसाला मरता हुआ प्याज मरता हुआ अभी आएगा तो सबसे पहले हमला ये करेगा उसके बाद ये और सबसे पहले मैं मसाला बिरयानी उसको खा डाला तो फिर पेट भर डाला ठीक है तो अभी हम लोग पेट पूजा कर लिया है भाई मसाला चिकन बिरयानी के साथ अभी निकलेंगे घर पूर्णिया से रुद्रपुर अपनी गाड़ी पार्क है उधर वो नेक्सा का शोरूम में क्योंकि इधर बिलाल जी मतलब हरा करके ना पेट भर के बिरयानी खाए मतलब ये लोग मैच हार गया तो बिरयानी दबा के खाया मैच का गुस्सा बिरयानी में निकाला है बिलाल जी चावल तो चलते हैं फिर मिलते हैं आगू बती ठीक है हमारा जाए घोर जाए तो आ गया हमारा हेलमेट घर तो अनबॉक्सिंग करते हैं इसका पैकेट इतना खतरनाक है ये रहा अपना झोला जिसके अंदर है हेलमेट और ये रहा अपना वारंटी कार्ड कागज अपना ये माउंट मेन चीज तो इसमें ये दिखा रहे करने करने बनता है इसको ये रहा अपना हेलमेट कितना बड़ा इसका इसका पड़ा हमको टोटल ये और ये लगा के कर गया आपको कितना 5700 5700 का पड़ा थोड़ा महंगा है बट सेफ्टी है भाई अभी जिस दुकानदार से लिया था उस वो बोला कि उसका कोई दोस्त था ये हेलमेट ये SMK वाला हेलमेट पहना हुआ था कोई ट्रक इसको ऊपर के चल गया मतलब सर के ऊपर से चल गया लेकिन हेलमेट टूटा नहीं हेलमेट की वजह से उसकी जान बच गई तो इतना अच्छा तो बोल रहे हैं उम्मीद है कि उतना ही अच्छा अग्रवाल ने एक्सीडेंट होकर टेस्ट है तो महंगा है बट अच्छा है बाकी देख लो